हेलो नमस्ते सस्रकाल आदाब, मेरी तरफ से सबको वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। एक नए ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। दोपहर के बज गए 2, लंच अपा ने कर लिया है और अभी का सीन ऐसे है, मैं जा रहा हूँ जी सेक्टर दस। एक्चुअली मैं कुछ और बोलने वाला था, 2 लाइनें मिक्स हो गई तो 10 निकल गया। तो अभी मैं जा रहा हूँ सेक्टर 10। क्यों, 11 का ब्लॉग बना लिया हमने, जो मेन कोठियाँ थी 8 का, 9 का, 3-4 सारे बना लिए। इस लाइन में सिर्फ 10 सेक्टर बचा था, वो भी दिखाता हूँ। 10 सेक्टर घूमेंगे नहीं अपन, मैं तो आपको सेक्टर नहीं दिखाने वाला हूँ, वो एक सेपरेट ब्लॉग पहले बनाया है अपन ने। सिर्फ आज वहाँ की मेन कोठियाँ चेक करनी है जो मेरी नज़र में है, ठीक है। ये सारी कोठियाँ नहीं दिखाने वाला, जो मेन घर है उन पर कंसनट्रेट करेंगे, ठीक है जी, जो भी अपने को बढ़िया लगेंगे, ठीक है। और या मेरे को जो याद है कि हाँ ये ठीक है, उस पर आप फोकस करेंगे और फिर आप ब्लॉग बना के वापिस आ जाएंगे। इन्ना जहा कम है, जाना है, आना है, गा पौना है, ठीक है जी। घर बड़े टॉप क्लास बने हुए 10 सेक्टर में भी, बड़ा पीसफुल सेक्टर है। देखो ऐसे कोई माड़ा ताड़ा सेक्टर नहीं है, बड़ा सिरा सेक्टर है 10 सेक्टर भी। देखो शानदार घर है 10 सेक्टर के भी, स्पेशली ये देखो इधर वाला भी, ये देखो कितना सही घर है। वाह, कोठियां तो बढ़िया बनी हुई हैं, छोटे गियर में ही चलते हैं फिर मजा आएगा। गड्डियां भी देखो स्पोर्ट्स वाली खड़ी हैं, वाह 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 वाह। ये घर कितना सही बना हुआ है, कितना तकड़ा है, ब्यूटीफुली बिल्ट। इधर भी बहुत सोना सेक्टर 10, क्लीन हाउसेस। ये देखो कितनी सही चीज लगा रही है, इसे पहले दिख जाता है कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। और शहरों में भी है शायद ये कहीं जगह पर यहाँ पे जगह जगह पे है। देखो पुराने टाइप के घर, बढ़िया बढ़िया। देखो स्टाइलिश घर भी हैं। एरिया छोटा है एज कम्पेयर टू सेक्टर 9 और 8 का कुछ पार्ट, लेकिन जितना भी है बड़ा कैंड है, जितना भी है शानदार बना हुआ है। कलर कॉम्बिनेशंस बहुत तगड़े हैं, डिजाइंस बहुत तगड़े हैं, और मतलब जी जान लगी हुई है। और देखो सामने वाले घर भी तगड़े हैं, वो देखो यहाँ भी लगा हुआ शीशा था देखने को, बढ़िया। ऐसे एक्सीडेंट वगैरह बच जाता है, पहले बंदे को आइडिया हो जाता है, कोई आ तो नहीं रहा देख के इसमें ना, पर यकीन सा नहीं होता कि सच बता रहा है कि नहीं। जिन लोगों को आदत नहीं है ना उनको औखा सा लगता है। देखो ये मेन रोड के घर हैं, ये बड़े बड़े हैं, हाँ इनका साइज बहुत बड़ा है। कुछ बड़े घर हैं, कुछ छोटे घर हैं, ये बहुत बड़े हैं, पर दे आर ह्यूज हाउसेस। गड्डी भी चिट्टे रंग दी, घर भी चिट्टा, रॉयल कलर वाइट। एलिगेंस अपने अपने कलर्स की है, रॉयल इज द पहचान टू वाइट हाउसेस। देखो कॉटेजेस ही हैं वैसे, फ्लैट तो छोटी बात ही चीज रहेगी इनके सामने। दीज आर द कॉटेजेस ऑफ सेक्टर 10। ये वाला घर मेरे को बहुत प्यारा लगता, बहुत बड़ा घर है ये। देखो पहिंदी है ना तक, देखो बाहर की बाउंड्री वॉल भी कितनी तगड़ी है इसकी, वाह। और बिल्कुल 5-स्टार होटल की बैक साइड पे, क्या बात जी क्या बात। 5-स्टार होटल आएगा यहाँ पे, होटल माउंट व्यू। वैसे इसी रोड पे घर तगड़े हैं, अंदर भी ठीक हैं, बट मेन हाउसेस 10 सेक्टर के इसी रोड पे हैं, बाहर वाली पे जो बड़े बड़े बने हुए हैं। स्पेशली ये घर बड़ा सही बना है, देखो ये अपना 5-स्टार होटल आ गया, अपना नहीं मतलब चंडीगढ़ वालों का, सिटको वालों का, सरकारी है पता नहीं क्या है, है ना, माउंट व्यू। इधर वाले घर देखते हैं यू टर्न मार के। लो जी यू टर्न बच चुका है, सिलसिला फिर से जारी हो चुका है। ये देखो कितना शेडी घर है, जंगल सा, बहुत आम के पेड़ लगे हुए इसमें, ये बड़ा तगड़ा घर है, वाह। जिंदल, नवीन जिंदल जी का घर है ये। ये देखो इसका गेट कितना तगड़ा है, बड़ी बड़ी कोठियां, महल बन रहा है ये तो अभी, कितना बड़ा है, वाह। ये घर बड़ा सही है, इसकी बात कर रहा था, ये दिख भी नहीं रहा है इतना तगड़ा। कोठियां बहुत तगड़ी हैं वैसे 10 सेक्टर में भी, ये वाली रोड पे स्पेशली। ये देखो इसका गेट कितना शानदार है,
इतना फैंसी फैंसी डेकोरेशंस कर रखी हैं, वुडन का गेट। साढ़े वाले लोग तो डरते नहीं लाते किसी ओंक ना खा जाए, रिस्क ही नहीं लेते हैं नॉर्मल इंसान तो। खर्चा उठ जाना है फिर से, कौन ठीक करेगा, नया लगवाना पड़ेगा। सही है, बंदा हिम्मत भी पैसे नाल ही करता है, चल जे खराब हो गया नवा लवा लेंगे ना। ऐसे तो बंदा ऐसे ही रह जाता है कि चल कोई ना, एक बार इन्वेस्टमेंट करनी है, बार बार नहीं करनी, 10-15 साल तंग नहीं होना। ठीक है, कोई ना कोई तरीका होगा, सबके अपने अपने रूल, अपने अपने फंडे। गेट देखो इसका, आज तगड़े घर है यार, ये वाला भी। वाह 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 वाह, सामने भी देखो कितने तगड़े घर है। वो वाला घर कितना सही है देखना है वो। राइट से दिखेगा, वैसे नहीं दिखेगा। इस एरिया में मेरे को अच्छे अच्छे घर याद है, इसी में देखते हैं थोड़े बहुत। लाइक दिस ब्लू गेट, वाह वो देखो क्या बात है जी, क्या बात है। यू टर्न मार लो फिर सही है। वाह बड़ा अच्छा बनाया है सारे घर, शानदार। अति कैंट, अति सुंदर होता है एक अति कैंट, तोड़े प्रादा वर्ड। अत अत चक्की हुई है, बहुत सही। पीसफुल सेक्टर, सेक्टर 10। दिवाली का टाइम पास है, लोग कली कुली करा रहे, पेंट पूंट। कली तो हूँ पुराना वर्ड हो गया, पेंट बोलो, इतने कलियाँ नहीं होंगे, इतने पेंट होंगे। कली तो बहुत पहले होती थी। ये देखो ये फिर से होटल माउंट व्यू, और ये घर देखना तुम इधर वाली गली में। वाओ सामने पार्क फेसिंग है देखो, क्या बात है जी, क्या बात है, ब्यूटीफुल। ये देखो कितना तगड़ा घर बन रहा है, मकान ही बड़ा सही बन रहा है। तो बड़ा पैसा है लोगों के पास यार, तभी तो इतनी इतनी प्रॉपर्टी तगड़ी। ये देखो कितना सही घर है, महल महल ही है महल, बड़े बड़े। कलर कितना सही है, ग्रे। ये वाला बहुत सही है, चारकोल। वाह वाह वाह, चारकोल अपने को रोज देखने को मिल जाता है, बड़ा सही घर है देखो यार। वाह मेस्मराइजिंग टू द आईज। बाद में इतना बढ़िया बोगनविलिया गार्डन, इतना बड़ा देखो, सैर करने को लेजर वैली का। इधर घर सामने सेक्टर 3, फिर इधर चलते हैं। इधर रहते हैं, दो चार घर मेरी नज़र में आए हैं, मेरे को याद, वो देखते हैं। देखो सही है ना, ये अलग टाइप के, वो अलग टाइप के। इनका एरिया कम है, उनका ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा था। वो काफ़ी बड़े घर थे, माड़े ये भी नहीं है कि माड़े हो भी नहीं, माड़ा कोई भी नहीं। सबकी मेहनत की कमाई, लोगों ने अपने अपना दिल खुश किया है, उनको जैसे जैसे पसंद आया। ये सरकारी एरिया है बीच में, ये मैंने पहली बार ही देखा है, मेरे को पता ही नहीं था इतना एरिया बीच में गवर्नमेंट है। बड़े बड़े घर देखो, दोनों साइड के घर, क्या बात जी क्या बात। बड़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है, ऐसे बड़े घर बन रहे हैं तोड़ तोड़ के ना, लोग बना रहे हैं। हर सेक्टर में 5-10 घर तो देखने को मिलते हैं, नॉर्मल से नॉर्मली बन रहे हैं। कब से नए नए लोगों को बनाने का मज़ा आता है, अच्छी बात है। अपना शौक, अपनी चीज़ें, लोगों को कुछ नया चाहिए लाइफ में। वाओ ये घर का डिज़ाइन देखो कितना सही है, ये देखो ये कितना सही घर है, लेटेस्ट डिजाइन। वाओ और ये भी, और कुछ जो बन रहे हैं वो भी बड़े सही हैं, और ये भी देखो क्या बात है, खूबसूरत तो है सेक्टर 10 भी। भूल जाता हूँ एक्चुअली मैं ना, इतने घर रोज देख के भी, कौन से सेक्टर में कौन से देखे थे और कौन से अच्छे थे। अच्छे सारे ही हैं, पर एक जो होता है ना एक्सेप्शनली गुड, उस एरिया में नहीं जाते आज, इसमें देखेंगे फिर। ये देखो मेन रोड के घर देख लो, इधर वाले
ये भी सेक्टर 10 ही है सारा, ये भी सही बनेगा। ये देखो कितना शानदार बना है, 3 BHK, 3 फ्लोर बोलते हैं इनको, 3 BHK तो एक ही ग्राउंड फ्लोर पे हो गया। ये देखो इसके बैक साइड से ही हम आए हैं, 10 सेक्टर की मार्केट, फेमस खाने पीने के लिए, कैफेज यहाँ पे बहुत सारे। देखो इसकी भी एक झलक ले लो, वैरायटी सारा 10 सेक्टर चंडीगढ़, पॉश एरिया चंडीगढ़ का ये है ना, गलबात पूरी गलबात है जी, पूरी सिरा। सारी मार्केट 5 स्टार होटल माउंट व्यू, और कुछ घर यहाँ पे हैं, ये भी देख लो मेन रोड पे सेक्टर 10। टन 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 की जो ये घर है ना, ये बहुत बड़े हैं और इनकी तो ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली ये वाले जो बन रहे हैं, जो बन जाएंगे, पहले ढके हुए हैं दिखते ही नहीं, क्या ही बताऊँ आपको। देखो ये अलग शान है इनकी, पेड़ कितने प्यारे प्यारे लगे हैं यार, मैं तो देख देख के मतलब वो हो रहा हूँ। विलाज घर नहीं है ये, बंगले हैं, मतलब कोठियां नहीं है, घर तो हैं कोठियां नहीं है, ये कुछ और ही है, महल से कम नहीं है, कोठियां नहीं है महल से कम नहीं है। अब बताओ क्या है, बीच के जो है वो है विलाज, बंगलोज, ऐसा लग रहा है पता नहीं फॉरेन के किसी लेन में जा रहे हैं। और जब पूरा ग्रीन होता है ना, बारिश का माहौल होता, फिर तो ऐसे ही लगता है किसी बहुत ही तगड़े कंट्री में हम, ऐसे तो इंडिया से तगड़ा कंट्री कोई है ही नहीं अपने लिए, बट फिर और फीलिंग आती है। देखो मैप ऑफ सेक्टर 10, बच्चा पढ़ भी रहा है। और ब्यूटी इस जगह की ये है चंडीगढ़ की, हर सेक्टर के मैप बने हुए हर गेट पे, 4-4, कोई कन्फ्यूज नहीं हो सकता। ये देखो शीशा हर जगह पे सब कुछ बना रखा है ताकि लोग कंफ्यूजन ना हो, आराम से हर जगह पहुंच सके हो। ये मेन रोड, मेन रोड के साथ इतनी बढ़िया बढ़िया लेन्स, 10 सेक्टर ऑन माय लेफ्ट, 3 सेक्टर ऑन माय राइट। 10 सेक्टर भी यार अपनी जगह के एंड है, मैं सच बता रहा हूँ आपको, अभी तो हमने आधा ही देखा है, आधा शायद कल वाले ब्लॉक में देखेंगे या फिर किसी दिन देखेंगे, क्योंकि एक में मेरे को बनाना अच्छा सा नहीं लगा, दूसरे पार्ट में दिखेंगे। कोठियाँ बहुत सही सही बनी है यार, डिज़ाइन यार, मतलब मैं बताऊँ मैं कितने दिन हो गए, कितने सेक्टरों गेड़ी मारते, कितनी कोठियाँ देखते, न्यू चंडीगढ़ की 9 सेक्टर की, 8 सेक्टर की, 3 सेक्टर, 4, 5, 6 में नहीं, चलो 6 में तो है नहीं सरकारी है, लेकिन किसी भी सेक्टर में मेरे को सिमिलैरिटी नहीं मिल रही कोठी एक जैसी की ऐसी देखी हो, बहुत कोई होगा कोई डिज़ाइन वो भी मेरे ध्यान में नहीं है, शायद ज़्यादा कोठियाँ देखने की वजह से, पर है ही नहीं यार, नहीं है, बहुत रेयर चांस है कि किसी ने किसी की कॉपी की हो या कुछ की हो, सबका अपना अपना है, मतलब कर सकते थे लेकिन लोगों ने यूनिकनेस में विश्वास रखा, कोई जैसे वुडन गेट्स बनाता है, कोई बड़े बड़े गेट लोहे के, किसी ने शेर बना रखे हैं, किसी ने कोई इंग्लैंड जैसा डिजाइन बना रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है, सबका अपना है यार, देख देख के बस अंदर खुशी जी मिलती है, तो बाकी मजा आता है। ये था जी 10 सेक्टर, वीडियो पसंद आई लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और आपके भाई का जो मैं पता अभी कहीं बाहर क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे को इसी में मज़ा आ रहा है, जो गेड़ी वाला कंसेप्ट है ना ये यूनिक है, मैं काफ़ी सारे उसे ढूंढ रहा था कुछ यूनिक करने के लिए, मेरे को लगता है कार पे ट्रैवल करते करते चीज़ें देखना या आज तक किसी ने दिखाया नहीं, आपका भाई तभी एक क्रिएटर बनाए इस चीज़ का, चेक कर लेना किसी ने नहीं दिखाया, एक क्रिएटर मैं ही हूँ जिसने ये चीज़ शुरू की है, मान नहीं है मेरे को इस चीज़ पर, अभिमान कहते हैं मान नहीं, मतलब मेरे को इस चीज़ पे वो है कि मेरा क्रिएटिविटी जो इतने टाइम से लगा हो तो कुछ अलग कर पाया। ठीक है जी, मिलते हैं कल वाली वीडियो में।